अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि जब हम यूरिन सीएस करें और उसमें इकोलाई बैक्टीरिया हो तो उसको हम कैसे आइसोलेट करेंगे। ये हमारे पास यूरिन सैंपल है, इसके बाद हम वायर लूप लेंगे, इसको रेड हॉट करेंगे। रेड हॉट करने के बाद थोड़ा कूल करेंगे और इसके बाद यूरिन का थोड़ा सैंपल लेंगे और क्लेड एगार पे इनाकुलेट करेंगे। इनाकुलेशन के बाद हम पेट्री डिश को इनक्यूबेट करेंगे इनक्यूबेटर में 24 आवर के लिए। और 24 आवर के बाद हम देखेंगे कि क्लेड एगार में ग्रोथ आया है कि नहीं। लेट सपोज अगर यूरिन सैंपल में हमारे पास इकुलाई बैक्टीरिया मौजूद हो तो आफ्टर इनक्यूबेशन ये हमें येलो कानूनी देंगे क्लेड एगार पे, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन भी अराइज होता है कि हमारे पास अदर्स लैक्टोज परमेंट बैक्टीरिया भी है जो कि क्लेड एगार पे येलो कानूनी भी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो हम कैसे आइसोलेट करेंगे इन बैक्टीरियास को? तो इन बैक्टीरियास को आइसोलेट करने के लिए हम अदर टेस्ट करते हैं, जैसे कि TSI, MIU, सेट्रेट। इन टेस्ट की बुनियाद पर हम डिफरेंट बैक्टीरिया को आइसोलेट करते हैं एक दूसरे से। जब हम इकुलाई के लिए TSI टेस्ट लगाएंगे तो TSI का जो स्लोप है, आवर बट है, ये येलो होगा। अगर इसमें H2S परमिशन नहीं होगी और गैस परमिशन इसमें होगी। इकुलाई के लिए एंडोल टेस्ट पॉजिटिव होगा, सिट्रेट टेस्ट नेगेटिव होगा, यूरियास टेस्ट नेगेटिव होगा और मोर्टेलिटी टेस्ट पॉजिटिव होगा।